खेतड़ी नगर में नहीं रुक रहा है चोरियों का सिलसिला, फिर हुई चोरी की वारदात। झुंझुनू जिले के खेतड़ी नगर में चोरों के हौसले बुलंद हैं। एक बार फिर खेतड़ी नगर में चोरी की वारदात सामने आई है। इस बार केसीसी के आवासीय कॉलोनी में दो क्वार्टरों में चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया है। केसीसी के आवासीय कॉलोनी में दो क्वार्टरों में सोने व चांदी के जेवरात समेत दोनों क्वार्टरों में गैस सिलेंडर भी चोरी किए गए हैं। गैस सिलेंडर के साथ साथ एक क्वार्टर में से तो पानी की मोटर भी चुरा कर ले गए हैं। चोरों ने ताले काटकर क्वार्टरों में घुसे हैं और चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। खेतड़ी नगर के केसीसी के आवासीय कॉलोनी में मनीष कुमार गरवा व रोशनलाल मेघवाल के यहाँ चोरी की वारदात हुई है। उधर लगातार हो रही चोरियों की वारदात को लेकर स्थानीय लोगों में काफ़ी आक्रोश है और विरोध प्रदर्शन भी किया है। चोरियों की वारदात को लेकर खेतड़ी नगर पुलिस ने घटनास्थल का मौका मुआयना किया है। प्रतिदिन SCL के अंदर चोरी होती रहती है और चोरी हो रही है, इसलिए हम पुलिस को मतलब के है कि ये कहने के लिए तैयार हैं कि हमेशा मतलब के है कि इसका कोई भी रुख नहीं निकला है। आदमियों की मर्डर हो गया है और चोरी प्रतिदिन होती रहती है। क्या आगे रणनीति रहेगी इससे आगे? यही है कि पुलिस को मतलब के चेतावनी दी जाती है और आगे कार्रवाई इसकी करी जाए। SCL के अंदर मैं यहाँ का कर्मचारी था और अभी मैं यहाँ से 35 साल से ले रहा हूँ। जब से मैं यहाँ रहने लगा हूँ अब 20 साल के 10 साल के अंदर इतनी चोरियाँ, इतनी मर्डर, इतने हो रहे हैं। पुलिस का कोई भी मतलब इसमें रोल नहीं रहा कि सतर्कता दिखाया जाए। यहाँ तक कि मर्डर भी होने लगे। हमारे गुरुजी थे वो सरदार जी, उसका मर्डर हो गया, उनकी बीबी का मर्डर हो गया, लेकिन फिर भी हम के पुलिस सुती हुए। हम इस बर्दाश्त को बर्दाश्त नहीं करेंगे। आगे आने वाला इसे बड़ा रूप लेंगे पुलिस के कार्यवाही देखते हुए, क्योंकि सुती हुई पुलिस को हम जगाएंगे। और प्रतिदिन हम इनको अवगत भी करते, मीटिंग में जाता है हमारा, कोशिश साथ थी मीटिंग में जाता है, वो बोलता है, हरपाल सिंह जाते हैं, नरेंद्र जाते हैं, बहुत सारे जाते हैं, लेकिन वहाँ सुनते हैं बस आग लाने के बाद में आंखें बंद करते हैं। जैसे हमारे कोई बड़े नेता सो रहे हैं ना, अब जाकर वो जगाते। सुबह 6-5 बजे फोन किया, 7 बजे आई पुलिस यहाँ। वो भी सिर्फ ड्राइवर आया, एक उसका एक कांस्टेबल आया, किसी ने गतिविधि नहीं दिखाई, आके चले गए। हाँ जी हो गया ये तो। आप भी तो ऊपर सो रहे थे, ऊपर सोने वाला क्या करे। इस हिसाब से तोड़ा गया स्क्वाड को कि खुड़का भी नहीं हो, सांस भी नहीं लेना बंद हो जाता। उसके बाद हथियार दिया हमने, हथियार भी दिया उनको जो लाए थे ना, और पेशकश भी है, और हमने दिखाया था इस तरह से यहाँ हो रहे हैं। अगर आदमी अकेला रहे तो उसको मर्डर करके जा सकते हैं, कुछ भी सब सब नहीं। हम पुलिस से बहुत विरोध कर रहे हैं इसके लिए। आगे आने वाले समय में इसके लिए सोच ले पुलिस अपने आप को, इस टाउनशिप की अगर सुरक्षा करना है तो आपके ऊपर पहले आंदोलन होगा। आगे मैं इसे बोलता हूँ।